हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीमा शंकर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह मॉर्निंग में ही मम्मी और पापा ने क्यारी में से चौलाई जो कि सब्जी होती है वो निकाल दी थी, क्योंकि इस मौसम में चौलाई होती है। तो यहाँ पे ना चौलाई के पत्ते मम्मी छाँट रही थी, अच्छे अच्छे वाले पत्ते हैं, क्योंकि इसमें ना कभी कभी ना जो पत्तों में ना छेद छेद हो जाते हैं, तो उन पत्तों को मम्मी हटा रही है। तो यहाँ पे ना श्री की देखिए, श्री यहाँ पे मस्ती करने में है। और यहाँ पे ना मैंने क्यारी में गई और यहाँ से मैंने पहाड़ी जो पुदीना होता है ना, उसके दो तीन पत्ते ही अगर आप डालो ना चटनी या किसी भी रेसिपी में जिसमें पुदीना पड़ता है, उसकी खुशबू अलग ही होती है। इसकी तो अलग ही इसकी खुशबू होती है, जिससे कि रेसिपी में ना चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर ना घुइया के पत्ते भी, इसके पतौड़े बनते हैं और इसे बहुत चीज़ें बनती है, सब्जी बनती है, पात्रा भी कहते हैं इसको। और यहाँ श्री देखिए ना, नहाओगी ना? अब पकौड़ी खाओगी? नहीं खाओगी? क्या नो, वो नहीं है, ये इसमें नमक रखते हैं। ये आलू प्याज की पकौड़ी नहीं खाओगी? खाओगी ना श्री? खाओगी नहीं खाओगी? ओए, इसमें नमक नहीं डालना, नानू डांटेंगे। इसमें नमक नहीं डालते, गंदी बात। यहाँ पे मैंने आलू प्याज और भी सारी जितने भी सब्जी मैंने फ्रिज में दिख रही थी वो सब मैंने थोड़ा थोड़ा काट दी थी। ज़्यादा तो मैंने आलू प्याज ही ज़्यादा इसमें काटा है। बैगन भी थोड़ा मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि बैगन की पकौड़ी भी, जिसको नहीं पता बैगन की पकौड़ी ना बहुत टेस्टी होती है भाई, एक बार खाते देखना। तो यहाँ पर मैंने सारी पकौड़ियाँ तल रही थी यहाँ पर, और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी जो चलाई की थी वो हटा दी थी, थोड़ी सी काट ली, काट के थोड़ा अलग कर दी थी, उसकी मैंने सब्जी बनाई है। टमिन आना है? आज टमिन आओगी? अच्छा लगता है टमिन आना? वाह, बस जल्दी से मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही है। और फिर क्या खाएंगे हम? कुछ नहीं खाना, टॉफी नहीं खानी है ना, कुछ खाना है। मैं मारूंगी, पिट्टी कर दूंगी। ये टब लेके कहाँ घूम रही हो? ना रुको ना, यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल बन के तैयार थी और करारी करारी कुरकुरी कुरकुरी बनी थी। चटनी मम्मी हमेशा बना के रखती हैं, तो हमारे यहाँ दही चटनी हमेशा रहता है। और यहाँ पे मेरी हो रही मोजीतो की तैयारी, जो कि मैंने पुदीना लेके आई थी, पहाड़ी पुदीना, और नींबू को मैंने एक गिलास में डाल दिया था। एंड में जो ये बेलन होता है ना, चकला बेलन वाला, उसी से ही मैंने यहाँ पे एक गिलास में रख के बनाया था, क्योंकि मुझे सबके लिए अलग अलग गिलास में बनाना था। तो मैं सोचा पहले इसके इसी में मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ, थोड़ा सा इसको मैशअप हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें फ्लेवर और अच्छे से आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चीनी रखी थी और मैंने गिलास में नींबू को चारों ओर कर दिया था, लगा दिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक को यहाँ पे अच्छे से इसमें गिलास के किनारे किनारे लिया, वो थोड़ा सा देने के लिए मैंने यहाँ पे मम्मी पापा को ऐसी कांच के गिलास में, वैसे तो कोई कांच के गिलास में ये लोग पीते नहीं हैं, बट मैंने इनको आज मैंने एक गिलास कांच के गिलास में बना के इनको दिया। और यहाँ पे मैंने पुदीना, नींबू और थोड़ी सी शक्कर मैंने इसमें डाल दी थी, यानी कि जो चीनी होती है ना उसको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया था, तो एक चम्मच मैंने वो थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि मम्मी लोग चीनी ने अभी इस समय बहुत कम खा रहे हैं, वो गुड़ उसके बदले गुड़ लेते हैं, तो हम इसके बदले ना गुड़ भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर चीनी यूज़ करी है। और यहाँ पर मैंने ना स्प्राइट यूज़ करा है, तो यहाँ पर ड्यू भी था और स्प्राइट भी था, तो मैंने इन दोनों में से एक ही ले रहा था, तो मैंने इसमें से स्प्राइट यूज़ करा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर आप बिल्कुल थके हो ना ठंडा, और ये ना अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह में अगर हम पीते हैं ना, हम जन लेते हैं तो वो 120 150 180 समथिंग 100 से ऊपर का ही मिलता है, और जबकि ये हम आराम से घर में बना के पी सकते हैं। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अनार का बनाते हो, कोई भी अगर आप कोई फ्रूट का मोजी तो बनाते हो वो भी अच्छा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने सबको पिलाया, सबको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस समय मैं आई हूँ ना, तो इस समय जब मैं अपने घर आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उनको पिलाती रहती हूँ। तो ये है, यहाँ पे मेरा मुझे तो बिल्कुल तैयार हो गया था और मैंने सबको पिलाया। और यहाँ पे मेरे पापा को देने के लिए मैंने यहाँ पे किनारे पे गिला उसमें डेकोर करने के लिए मैंने नींबू की स्लाइस भी रखी थी, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। और पापा को भी ये बहुत पसंद आया, पापा को समझ नहीं आया कि इसने पुदीना क्यों डाला है, तो मैंने बाद में बताया कि वह महंगा बिकता है बाहर,
तो यहाँ पे मम्मी ने लंच की तैयारी कर दी थी फटाफट से, हमने यहाँ पे मैंने सैलेड कर दिया, तो आज बन रही है हमारे घर में भड़की चुड़कानी। जो बाहरी लोग हैं ना वो भड़की चुड़कानी बहुत पसंद करते हैं, और मैं तो खासकर जो लोहे की कढ़ाई को इतना मिस कर रही थी, क्योंकि जो इतनी बड़ी वाली जो हमारी लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें आप पूरा 1-10-12 लोग खा सकते हैं, बट हमारे वहाँ कुल मिला के 4 लोग हैं, और हम लोग ना इसी में बनाते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई का जो स्वाद होता है ना, इस लोहे की कढ़ाई का, सबसे ऑसम होता है। अब खाओ, कोई बात नहीं, खाओ। कोई बात नहीं, स्ट्रांग है आप तो। गरम लग गया, पहले अपना खाओ। देखो सब ने अपना 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 खा रहे हैं, ये देखो। आज गर्मी ज़्यादा थी तो हम सभी ने ना एसी वाले रूम में ही बैठ के खाना प्रेफर करा, क्योंकि सच में आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और ये देखिए शरीना, पहले उसने भड़की चुड़कानी पहले उस समय हमारे साथ खाई थी, फिर उसके बाद इसको और भूख लगी जब सोने के बाद रोटी, तो उसने कहा मम्मा मुझे राइस चाहिए और चाहिए दाल चावल, तो उसने फिर से खाया और देखिए कितनी चाव से खा रही है। हम लोग इसको देखते रह जाते हैं, क्योंकि जब उसको भूख आती है ना, तो ये ना भड़की चुड़कानी इतना पसंद करती है, और भटके डुबके, और मम्मी ने भटके डुबके भी बनाए थे एक दिन, तो मैंने इसकी रेसिपी वो नहीं करी, उसको बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे शरीना शाम के टाइम पे अपनी डांस क्लास जाती है, तो वहाँ पे पापा अपने नानो नानी के सबके पाँव छू रही, वैसे ही वहाँ पे वो दादा दादी के अपने पैर छू के जाती है, तो यहाँ पे भाई उसको मजाक कर रहा था मेरे मत छूना, बट वो उसके कभी नहीं छूती है। तो यहाँ पे हमारे पास में ही है यहाँ पे डांस क्लास, तो उसको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका 1 घंटे का एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो पापा उसको मना करते हैं कि नहीं मत भेजो मत भेजो, बात तुम लोग तो धूप में भेज दे, तो मैंने कहा नहीं पापा 1 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूरी है, चाहे वो कहीं पर भी करे, बट पापा लोग कैसे हैं ना, वो बच्चों को थोड़ा लगता ही है कि मेरे बच्चों के बच्चों को परेशानी ना हो, ये ननिहाल आए तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ना श्री बहुत मस्त रहती है, बहुत इंजॉय करती है, वो डांस क्लास में स्पेशली ना वो बहुत इंजॉय करती है, और उसको तो यहाँ पे पूरा बैच मिल रहा है, उसको यहाँ पे बड़े से लेकर छोटे थे सभी बैच है यहाँ पे, तो वो बहुत इंजॉय करती है, और सर लोग भी बहुत अच्छे हैं, उसको अच्छे से उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो कि उसके लिए नहीं अच्छा है, जो कि इसकी बॉडी के लिए अच्छा है, कि कल को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उसकी बॉडी में, तो ये बहुत सही चीज़ है कि उसको हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से मिल रही है, तो उसे क्यों ना कराऊँ मैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पे वो डांस क्लास जाती है, वो अपना 1-1.5 घंटा अपना इंजॉय करती है, अब वो आने का नाम नहीं लेती है, अब वो डांस क्लास से जब हम उसको घर ले जाने के जाते हैं तो नहीं आती है, तो ये इसकी देखिए यहाँ पे इतनी मस्त होकर वो डांस करती है ना, तो क्या इसको देख के अब इतना अच्छा लगता है। और डांस क्लास में जो और बच्चे ये आए होते हैं, इनसे बड़े होते हैं भले ही, बट उनके साथ भी वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से कर रही है, सब उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, इंजॉय करते हैं। रात को ना श्री को ना बाहर जाने का मन था, उसने कहा मम्मा चलो मॉल चलो, बट सही बताऊँ ना पंत नगर में एक ही एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे मॉल नहीं है, मतलब पंत नगर और ये गोल्ड गेट जवाहर नगर के एरिया में, बस इतने में, रुद्रपुर वगैरह में हल्द्वानी वगैरह सब जगह मॉल है ये मानती हूँ, पर इस जगह में मॉल नहीं है, और थोड़ा सा पंत नगर से आगे जाओगे तब हमें मॉल मिल जाएंगे रुद्रपुर के रास्ते पे। और यहाँ पे हम लोग गए थे वेलकम रेस्टोरेंट, जो कि यहीं पे नगला के पास पड़ता है, तो जनरली लोग वहीं जाते हैं, जो फैमिली रेस्टोरेंट है तो सही है, फैमिली एटमोसफियर रहता है तो कुछ ऐसा नहीं रहता है, तो इसलिए ये रेस्टोरेंट सभी यहीं जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ना 10 साल पूरे हो रहे थे फैमिली रेस्टोरेंट के, जो वेलकम रेस्टोरेंट है, तो उस दिन यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था, हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे ही चले गए थे क्योंकि श्री को मन था बाहर जाने घूमने का, तो इसलिए हम उसको मॉल ना ले जाके हमने चलो चलो रेस्टोरेंट में, इसको लखनऊ की पता है इसे कि हाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छा लगता है, इसको मजे करती है, खूब इंजॉय करती है, तो यहाँ पे ना ये आके इतना खुश होगी, यहाँ पे बैलून वगैरह सब देखे कि मम्मा मेरा बर्थडे भी बनाओगे, केक काटोगे, तो सब कुछ बोलने लग गई थी। तो यहाँ पे पहले फैमिली जो यहाँ पे
10 साल आज पूरे हुए थे। तो यहाँ पे उन लोगों ने सबको पहले केक जो कटिंग हुआ था, सारे जितने भी यहाँ पे उनके जितने भी लोग खाना खाने आए थे यहाँ पे, सब अपनी अपनी टेबलों पर उनके वहाँ पे उन्होंने केक भेजा, सब कुछ भेजा था, और यहाँ पे सब वो मिठाई भी खिलाई थी, क्योंकि आज 10 साल पूरे हो रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, और श्री ने भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करा। यहाँ मॉल का है, वहाँ मॉल ले चलो उसको।